सभी पत्रकार साथियों का सम्मान से ही स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज यह अवसर मुझे मजबूरी ने चुनना पड़ा। 3 महीने का स्थानीय मंत्री गिरीश चंद्र यादव हमने शिकायत की थी, न जाने कितनी शिकायतें लिखी गई है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आश्चर्यचकित हो रहा हूँ, इतने लिखा पढ़ी के बाद आज तक सरकार की जून नहीं है। पहले एक समय था किसी के भी खिलाफ आरोप इस तरह के आते थे तो वो स्वतः इस्तीफा अपने पद से इस्तीफा दे देता। माननीय जी को ये नहीं सुनवाई, अगर आप साफ पाठ को भ्रष्ट नहीं हो तो तत्काल आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। यदि ऐसा नहीं हुआ, ऐसी परिस्थिति में सरकार को इनसे इस्तीफे न लेते, यदि कोई मजबूरी है तो पद से उनको हटा देते कि जांच पूरी होने के बाद आप साफ पाठ होंगे तो पुनः आपको काम पर लाएंगे। स्थिति ये बनी हुई है, प्रदेश का राजस्व, प्रदेश की पुलिस, साधारण जांच एजेंसी को जांच सौंपकर लिपापोती का इरादा है तो अलग बात है, नहीं आपको उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए थी। किन चीजों की जांच की मांग आपने की? एक भ्रष्ट मंत्री की जांच होनी चाहिए, सरकार में रहकर सरकार की नीतियों का विरोध किया जाना यह सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक विषय है। सवाल इस बात का है कि जांच एजेंसी यहाँ की राजस्व पुलिस अपने ही मंत्री की जांच राजस्व पुलिस करे? हम तो समझते हैं लोकायुक्त से जांच इनसे कराने चाहिए, या उच्च स्तरीय स्वतंत्र एजेंसी से अब तक जांच कराकर तत्काल इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, जो जनमानस में एक अच्छा संदेश जाता। सरकार की छवि, सरकार की छवि कलंकित हो रही है। भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार क्या है, किस मामले की आप जांच कर रहे हैं? इस जिले की किसी भी जिले की जोड़ने वाली सड़कों पर नहीं खाली है जहाँ इसमें जमीन नहीं खरीदी हो, मकान ने बनवाया हो, होटल ने बनवाया हो, न जाने कई जिलों में इस तरह के इस भ्रष्ट मंत्री की अकूत संपत्तियाँ किसने अपनी बना ली। कौन मंत्री है? मंत्री एक गिरीश चंद्र यादव है, जिले के एकलौता मंत्री हैं। हम नहीं समझते कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मजबूरी क्या है, इस मंत्री से उन्हें मुंह क्या है, किस एजेंसी में जांच चल रही है? अब इनकी जांच एजेंसी जो है सुना है कि अपने जिले का कोई पुलिस कर रहा है तो कोई राजस्व कर रहा है, सतर्कता आयोग को लिखा गया, इसके बाद इनकी ईडी सीबीआई आज खत्म हुई। इस तरह के मंत्री को बनाए रखना ये सरकार के न हित में है, जनमानस के ये तहे दिल में नहीं जा रही है बात को। कैसे मंत्री को बनाए रखने से सरकार क्या चाहती है, जनमानस को क्या संदेश देना चाहती है, इस मंत्री को बनाए रखना उनकी क्या मजबूरी है? आपका आरोप है कि इनके ऊपर से कई जगह अचल संपत्ति है, होटल है, कहाँ कहाँ है ये संपत्तियाँ? इसी बनारस में देख लीजिए, लखनऊ में देख लीजिए, गाजियाबाद में देख लीजिए, जौनपुर का ऐसी कोई सड़कें नहीं है जो जिलों को जोड़ती हूँ, जहाँ इनके होटल में बन रही हूँ, चाहे नामी हो चाहे बेनामी हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो। जब ये विकास, ये नगर विकास मंत्री थे, इनके नात रिश्तेदार, सगे संबंधी, भाई भतीजे नाम पात्र होते हुए भी ये ठेकेदार बन गए, लूट का एक अड्डा बन गया। और इस तरह से लूट मंत्री कहते हैं इसे, आप स्वतः इस्तीफा नहीं दे रहे हो, दूसरी तरफ सरकार भी नहीं कुछ कर रही है, मौन बैठी है, क्या मजबूरी समझ में आती है? मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से उच्च जांच एजेंसी, स्वतंत्र एजेंसी से इनकी तत्काल जांच कराई जाए, इनकी कार्रवाई की जाए, जिससे असंतोष जब जनमानस में है ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है, संसार करने वाला है, यह बेदर्ज बेशर्म जो है राज्य मंत्री स्वतः इस्तीफा नहीं देगा, इसमें दो राय नहीं है। लगता है स्वतः इस्तीफा नहीं देगा, यदि मुझ पर कोई आरोप है तो हमने बहुत जमाने से भी देखा है, कम से कम 44 साल 50 साल का मेरा अनुभव है, जिस किसी को आरोप लगता था वो सीधे कह देता भैया मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं साफ पाखूँगा जो है तो मैं फिर यहाँ अपने पद पर आ जाऊँगा। मुख्यमंत्री इस चीज़ को जो है मौन बैठे हुए हैं, आप नहीं समझ रहे हैं, जनमानस में जाकर घूम के देखिए इस मंत्री की छवि कितनी खराब है, इसके पीछे चलने से सरकार की भी मंशा नहीं लग रही है, किस तरह से हो जाए सरकार भी कलंकित हो, बदनाम हो, सरकार की छवि खराब हो,
हम नहीं समझ रहे हैं कि आज तक इनको पक्षे हटाए नहीं गए, स्वतंत्र एजेंसी के सामने मामले नहीं रखे गए। अब इस तरह से वहाँ दीपापूर्ति करने की बात अगर होती है तो ऐसे किसी जांच एजेंसी को जांच दे दो, जैसा चाहो उससे उसका काम, ये चीज तो अच्छी नहीं लगी। ये प्रेस वार्ता इसलिए मुझे यहाँ आपके सामने रखनी पड़ी कि आखिर क्या मजबूरी है, क्या मोह है। 3 महीने लिखे हो गया, 2-2 बार जो है हमने ज्ञापन दिया, उसके बाद 3 पत्रों को हमने दिया, सारी चीज़ों को हमने उनको दिया। सर 2-2 बार और सरकारी मंत्री ऐसे में जब से ये रियायत मंत्री में क्या क्या सबूत आपके आते संपत्ति इसके पहले पढ़ाई के समय से मैं पैतृक संपत्ति को जानता हूँ, ये वकालत कर रहे थे तब से तब भी मैं इनकी संपत्ति की बात में जानता हूँ। आज 7-7.5 साल ये जो है मंत्री परिषद में है, मंत्रिमंडल में है, इनकी संपत्ति आसमान छोड़ी लेकिन हम नहीं समझते कि ये कितने मामले इस तरह के देखे जाए। अगर एक मिसाल अगर पेश करते माननीय मुख्यमंत्री कार्रवाई के जज में आने के बाद तत्काल उसको अपने पद से उसको हटा देना चाहिए, ठीक है, साफ पाक है, आपकी दोबारा उसको ऐसा में एक चीज बताइए, ये सूची आप लिए हुए हैं ओके, जिन जिन अधिकारियों का भी आपने उल्लेख किया नाम लिया, वो अधिकारियों को भी अगला फोन करेगा जब तो बताएंगे कि हमारे ऊपर दबाव बना हुआ है, ये सूची आपने नाम मतलब आपको आप सूची दे रहे हैं, आप अधिकृत अधिकारियों का नाम भी दे रहे हैं, उस अधिकारी को अभी आपके बयान के अनुसार फोन किया जाएगा कि भैया हमारे ऊपर दबाव मंत्री का है तो बोलेगा कि ये कैसी जानकारी आपको होगी कि दबाव इन लोगों के ऊपर है। इससे स्पष्ट मैं कर दूं ये जानकारी सत्ता पक्ष का संसार सत्ता पक्ष का सांसद